हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं स्क्रीन अनलॉक के बारे में। जैसे कि हम स्क्रीन अनलॉक कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लॉक स्क्रीन पासवर्ड पर जाना है और जो भी आपका लॉक है उसे यहाँ पर ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि नेम पासवर्ड है, पैटर्न पासवर्ड है और पिन पासवर्ड है। तो यहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप देख सकते हैं इसको अनलॉक करने के लिए टर्न ऑफ पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका पासवर्ड है उसे दोबारा डालना होगा। डालने के बाद आपकी जो स्क्रीन है वो अनलॉक हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो स्क्रीन अनलॉक हो चुकी है। इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो सेटिंग है उसके बारे में बता देता हूँ, जैसे कि हम पावर सेविंग मोड कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है पावर सेविंग मोड। ये देखिए आपको यहाँ पर आ जाएगा। पावर सेविंग मोड को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका पावर सेविंग मोड यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आपका ये ऑन हो जाएगा और यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि 15 सेकेंड या फिर 30% पे करना चाहते हैं। तो मैंने 15% पे इसलिए कराए ताकि मेरी 15% पर आकर बैटरी लो हो जाए। इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।